Hello friends, welcome to Sri's Corner. Today we are going to make Parwal ki curry. Parwal or white potato, actually Parwal ki sabji banane ki ek tarika hai. Bahut sare tarika hai, to main ek tarika se banati hoon, wo aapke saath share kar rahi hoon. Bahut aasan tarika hai, aap zarur ek baar try kijiyega. Iske liye 7-8 parwal lena hai और थोड़ी सी आलू भी. आपको क्वांटिटी तो मैं सामने ही दिखा रही है, तो उसको काट लेना है धो के. और थोड़ी सी लहसुन मैंने पानी में डाल दी, परवल के अंदर के सीड्स वगैरह हटा के, बिना छिलके रिमूव नहीं किया है, मैं अंदर का सीड से रिमूव किया. और आलू और परवल काट के रखे हैं और मैं इसको अलग अलग फ्राई करूँगी. पहले वो लहसुन को मैं छीलेंगे और उस लहसुन को स्लाइस में काट लेंगे. पहले पैन में ऑयल गरम करने के बाद सबसे पहले हम लहसुन को डालेंगे, क्योंकि लहसुन खड़ू तेल में अच्छे से मिलेंगे तो पूरा सब्जी में भी आएंगे और बहुत खुशबूदार बनेंगे पहले से ही सब्जी. थोड़ा टेस्ट भी उसका बढ़ जाएंगे, इसलिए पहले लहसुन भी डाल सकते हैं और अदरक लहसुन दोनों पीस के भी डाल सकते हैं, या जिंजर गार्लिक पेस्ट जो रेडीमेड मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं. फिर आलू को अलग से फ्राई करके निकालिए और उसके बाद परवल को थोड़ी से फ्राई करने देना. उसके बाद ही हम मसाला वगैरह डालेंगे. तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं. तो हम आलू को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से उसको थोड़ा सा चम्मच भी चलाना है. मैं एक हाथ में है ना मोबाइल पकड़ लिया है, इसलिए मैं एक ही हाथ से धीरे धीरे डाल रही थी, इसलिए इतना टाइम लग रही थी, नहीं तो कब से डाल चुकी होती. हाँ, उसको थोड़ा सा सॉर्ट करना है. अभी थोड़ी देर में ना बन जाएंगे ये आलू. फुल में एकदम से फुल, पूरा फुल करके मत रखना, क्योंकि आलू फिर अंदर से पकेंगे नहीं. थोड़ी सी फुल में रख के हम इसको डालें, थोड़ी देर और सॉर्ट करें, फिर उसको बंद करके रखें. अभी हम उसका मसाला निकालेंगे. पहले हम हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर निकालेंगे और उसके बाद सॉल्ट यानी नमक निकालेंगे और कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, वो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, 2 या 2.5 चम्मच लेते हैं. उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर, यू कैन यूज़ कश्मीरी मिर्च पाउडर और जो चिली फ्लेक्स जैसे बना के रखते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल बाहर का भी. फिर पेपर यूज़ कीजिए, ये पेपर है. फिर थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जिंजर गार्लिक का रेडीमेड पेस्ट भी मैंने यूज़ किया था. और ये सब मिलाने के लिए मैंने पानी का यूज़ किया, थोड़ा सा पानी भी डाल के, मतलब थोड़ा सा ऊपर तक आना चाहिए उतना तक. पहले इसको हिला दिया, उसके बाद ही मैंने इसमें पानी डालती हूँ. अभी देख लीजिए पानी डालेंगी थोड़ी सी. हाँ, इतना सा डाल लीजिए, और ताकि थोड़ा सा मसाला भीगे उसमें. बस भिगा के एक साइड में रख लीजिए. अब आलू फ्राई हुए हैं, उसको भी हम अलग रखेंगे. आलू फ्राई हुए और हमने परवल को भी डाल दिए, और परवल भी फ्राई हो चुके हैं. फिर हम आलू को वो परवल के ऊपर डाल लेंगे और हम अभी थोड़ी सी मिलाएंगे उसको, थोड़ी सी सॉल्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसमें जो मसाला हमने अभी रेडी किया है वो डालेंगे. पहले हम फ्राई करते टाइम कुछ भी नहीं डाले थे, सिर्फ लहसुन ही डाले थे, क्योंकि उसकी खुशबू मिलने के लिए. अभी थोड़े से फ्राई किया, दोनों को अभी मिला लिया. अभी हम वो मसाला डालेंगे. हाँ, थोड़ी सी मसाला डालेंगे, इतना जलाना नहीं. थोड़ा सा मेरा आलू एक दो जल गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा मसाला बनाने में आए थे. तो हाँ, अभी दोनों को मिला, इतना नहीं है, हल्का सा ही हुआ, ब्राउनिश ही हुआ है. ठीक है, दोनों वो मसाला को डाल के एक बार अच्छे से सॉर्ट कीजिए. बन गया है. अगर आप चाहे तो वही
कटोरी में थोड़ा सा और पानी भी मिला के कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो ऐसे भी बन जाएंगे, बहुत टेस्टी बन जाते हैं। और ज़्यादा कुछ मसाला यूज़ नहीं किया, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। ये तो बहुत ही टेस्टी बने थे, सबने बहुत अच्छे से खाए थे और बहुत ही अच्छे और स्पेशली स्पीड में बन गए थे, बहुत ईजली बन गए थे। तो आप सभी एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको। हाँ, रोटी के साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो इस तरह के बनाकर एक बार देख लीजिए। वो भी सिंपल मसाला, ज़्यादा मैंने मसाला भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ धनिया मिर्च पाउडर कम ही यूज़ किए थे, तो गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा बनी है। और आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।